जी अच्छा, डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल्स क्या होते हैं बेसिकली? हमारे पास ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनमें आपके पास, जब आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं। जब हम रिग्रेशन अभी तक पढ़ रहे थे तो उसमें बेसिकली हम रेशियो स्केल पे लगे हुए थे कि हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो थे वो सारे के सारे क्वांटिटेटिव होते थे। लेकिन अगर अब हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास जब उस फॉर्म में आ जाते हैं क्वालिटेटिव में, तो फिर हम उस पर किस तरह रिग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो उस पर हम सिंपल, जो हमने अभी तक सिंपल लीनियर रिग्रेशन किया है, अब वो हम नहीं अप्लाई कर सकते। तो इस तरह के वेरिएबल्स को जिसमें आपके पास कैटेगरीज होती हैं, लाइक क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के वेरिएबल जिनमें आपके पास कैटेगरीज हो और उन कैटेगरीज में आपको ऑर्डर की जरूरत ना हो, तो उनको हम डमी वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। और वो डमी वेरिएबल को जब हम यूज करके एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, तो उन मॉडल्स को हम लोग अनोवा मॉडल कहते हैं, जिसमें आपके पास IDVs जो हैं वो आपके पास क्वालिटेटिव होते हैं और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्वांटिटेटिव होता है। इस तरह के मॉडल को हम अनोवा मॉडल कहते हैं। अनोवा मॉडल जो है तो बेसिकली डमी वेरिएबल रूल पे काम करता है। अच्छा, अब इसमें डमी वेरिएबल में आपके पास क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास उसमें डमी वेरिएबल रूल का आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डमी वेरिएबल रूल। डमी वेरिएबल रूल ये होता है कि अगर आपके पास, लेट सपोज कोई भी आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके आपके पास कैटेगरीज 3 हैं या 4 हैं, तो डमी वेरिएबल रूल आपको कहता है कि एक कैटेगरी को आप ड्रॉप करो, जितने भी टोटल हैं टोटल में से एक कैटेगरी को ड्रॉप करो, और उस ड्रॉप आउट कैटेगरी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम अपना बेस कैटेगरी कहते हैं। अब उसको हम बेस क्यों लेते हैं? हम इस वजह से लेते हैं कि बाकी के वेरिएबल को हम उनके साथ कंपैरिजन कर सके। जिस तरह अगर लेट सपोज मैं कहूँ कि मेरा जो जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम एक केस स्टडी की थी जिसमें था कि आपके पास पे जो है तो वो फीमेल की जो है वो मेल से ज्यादा होती है मार्केटिंग जॉब्स में, तो आपके अगर ये कॉन्सेप्ट आप लेके चलें और आप चेक करें, तो आप नहीं कह सकते कि मैं जो है आप जो है बेसिकली क्या करते हैं कि आप मेल और फीमेल दो कैटेगरीज हैं, तो उसमें से आप एक को कांस्टेंट लेके एक को मेल को या फीमेल को किसी को भी बेस कैटेगरी मान के और दूसरे को उसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो जो एक कैटेगरी को आप ड्रॉप करते हैं, जिस तरह हमने इधर कहा कि हमने मेल कैटेगरी को ड्रॉप कर दिया या फीमेल कैटेगरी को ड्रॉप कर दिया, उसे हम ड्रॉप आउट कैटेगरी कहते हैं। तो ये तो हमारी ड्रॉप आउट कैटेगरी थी। अच्छा, फिर किस कैटेगरी को आप ड्रॉप आउट करेंगे ये एक अलग बात है। जिसको भी आप करना चाहें ये रिसर्चर की अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी को ड्रॉप आउट करता है। अच्छा, फिर यहाँ पे और तीसरे पॉइंट पे बात जो है वो इंटरसेप्ट की हुई है। अभी तक जब सिंपल लीनियर रिग्रेशन हम पढ़ रहे थे तो उसमें जितने भी कोफिशियंट बीटा की वैल्यूज आती थी तो वो बेसिकली हमें क्या बताती थी? वो हमें रेट ऑफ चेंज बताती थी कि अगर हमारे पास 1 यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है तो उसकी वजह से हमारे पास कितना परसेंट चेंज इन उसमें आता है, कितना परसेंट चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। लेकिन इधर ये केस नहीं है, इधर हम इंटरप्रिटेशन इस तरह नहीं कर सकते। यहाँ पे बीटा का मतलब जो है, फॉर द टाइम बीइंग आप बस यही समझ लें कि बीटा का मतलब यहाँ पे जो है वो आपके पास है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द करंट कैटेगरी एंड द बेस कैटेगरी। अब देखिए, अब आप ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि अगर लेट सपोज मेल है, आप मेल की सैलरी देखना चाहते हैं या फीमेल की सैलरी देखना चाहते हैं, तो उसका कोफिशियंट आपके पास आएगा जब आप अनोवा मॉडल अप्लाई करेंगे। तो आप जब वो करेंगे तो उससे आपके पास जो बीटा की वैल्यू आएगी, तो आप उसे ये तो नहीं कह सकते कि अगर 1 यूनिट चेंज जो है तो वो मेल या फीमेल में आएगा तो उसकी वजह से कितना आपकी सैलरी में आएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो ऑब्वियसली इंटरप्रिटेशन का इसका अपना तरीका है। और इधर बीटा का मतलब
रेट ऑफ चेंज नहीं होता बल्कि डिफरेंस होता है, किन दो चीजों के दरमियान, द डिफरेंस बिटवीन द करंट कैटेगरी, जिस कैटेगरी का आपके पास बीटा होगा उसी कैटेगरी का बीटा, यानी उसी आईडीवी का बीटा, और साथ में किसका आप डिफरेंस लोगे, बेस कैटेगरी का, इन दोनों का डिफरेंस जो है, तो ये बीटा आपको ये बेसिकली बता रहा होता है। तो इसके लिए मैं आपके साथ ये टेबल थोड़ा सा शेयर करूंगी जो हमारे पास उसमें है, हमने इधर कवर किया हुआ है। ये अगर आप देखें इधर, अब आप देखें, आपको समझ आ रही होगी, पुअरेस्ट, पुअरर, मिडल, रिचर, अब ये सारे जो हैं, ये सारे आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, ये क्वालिटेटिव आईडीवीज है। क्वालिटेटिव आईडीवीज, अब आपके इनके कोफिशिएंट्स को आप देखें, ये आपको अब क्या बता रहे हैं, इसमें से कोई एक कैटेगरी होगी जिसको इन्होंने क्या किया होगा, बेस कैटेगरी किया होगा। तो अब आप इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह करेंगे, आप कहेंगे कि आपके पास जो पुअरेस्ट और बेस कैटेगरी के, अब इधर तो क्योंकि ये मैंने गूगल से एज इट इज पिक्चर उठा ली है, अदरवाइज जब आप इसका देखें तो खामखा इसकी मिडिल कैटेगरी दी होगी कि सॉरी जो इसकी आपके पास बेस कैटेगरी है वो खामखा दी होगी कि बेस कैटेगरी आपके पास इसकी क्या है। तो ये जो कोफिशेंट की वैल्यू है, ये आपको पुअरेस्ट और आपकी बेस कैटेगरी का डिफरेंस बता रही है कि वो 1.04 है द डिफरेंस। अब इसको आप इंटरप्रिटेशन आप किस तरह करेंगे, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप इस पे रट्टा लगा लें। द एवरेज डिफरेंस, द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द पुअरेस्ट एंड द बेस कैटेगरी इज 1.04। दिस इज द सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स कोफिशिएंट। इसी तरह अगर उसके बाद जब हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन करते थे, फिर हम उसकी टी और पी वैल्यू को देखते थे, इधर टी और पी वैल्यू बिल्कुल उसी तरह आप सिग्निफिकेंस चेक करेंगे। टी को आप उसी तरह टी टू रूल पे, टी टू रूल क्या है आपके पास, कि टी आपके पास टू से ग्रेटर होगा तो हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा, और पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पी की वैल्यू लेस देन 0.05 होनी चाहिए। तो अगर आप पहले टी की वैल्यू को देखें जो कि है 1.70, तो ये क्या शो करी है, इसके लिए पी वैल्यू भी क्या है 0.089। अब अगर आप टी वैल्यू को भी देखें वो 2 से लेस है, और पी वैल्यू को देखें तो वो आपके पास 0.05 से ग्रेटर है। ये आपको क्या बता रही है कि ये जो बी वेरिएबल है ये आपके पास इनसिग्निफिकेंट है। हम जब इन दोनों की इंटरप्रिटेशन सिंपल लीनियर रिग्रेशन में करते थे तो उसे हम यही कहते थे कि वेरिएबल आपके पास इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन जब हम इधर करते हैं डमी वेरिएबल में करते हैं तो फिर हम किस तरह करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो डिफरेंस है पुअरेस्ट में और बेस कैटेगरी में, बेसिकली ये डिफरेंस मेरे पास इनसिग्निफिकेंट है, इतना कम है या इतना छोटा है कि इसके कोई मायने ही नहीं है, ये डिफरेंस कोई मायने ही नहीं रखता है, इसीलिए मैं कहती हूँ द डिफरेंस बिटवीन द पुअरेस्ट एंड द बेस कैटेगरी इज इनसिग्निफिकेंट। तो ये मेरे पास डमी वेरिएबल में इंटरप्रिटेशंस हैं। अगर आप इसको ऊपर भी देखें, आप इसके एफ वैल्यू को भी देखें और उसकी आप एडजस्ट जो आपके पास आर स्क्वेयर है उसको देखें, आर स्क्वेयर आपके पास कितना कम है, 0.02 है आपके पास, जैसे अगर आप लोग कहें तो आप ये कह सकते हैं कि वेरिएबल जो है ये सिर्फ 2% जो है आपके पास एक्सप्लेन कर रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो इसका मतलब है कि ये बहुत वीक मॉडल है, इसके वीक होने के बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ एक आईडीवी लिया हुआ है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया हुआ है, तो या तो ये इसका वो चेंज कर ले, इसमें एडिशन कर ले कुछ और वेरिएबल्स की, या अपना सैंपल साइज इंक्रीज कर ले, और या ये कैटेगरी चेंज करके देख ले। तो ये हमारे पास जो था, जब हमारे पास डमी वेरिएबल आपके पास उस पे होता है। क्या ये आपको अभी बुक दिखाई दे रहा है? यस।
बुक शेयर है कि टेबल शेयर है? बुक बुक, ठीक है। अब ये तो हमने वो केस डिस्कस किए जब आपके पास एक क्वालिटेटिव वेरिएबल हो। अब जब इसका हमारे पास इधर ये कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट बेसिकली आपको बता रहा होता है कि ये आपके पास, लेट सपोज, जिस तरह अगर आप इस मॉडल को देखेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि पुअरेस्ट, पुअरर, मिडल, रिचर, और ये इसने इफेक्ट किस पे देखना है, V201, ये कोई इनका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब कोई एक कैटेगरी ऐसी है जो इन्होंने कांस्टेंट ली हुई है। अब जो बेस कैटेगरी है बेसिकली हम उसे कहते हैं कि एवरेज जो है। अब अगर ये इनकम होगा या वो होगा, स्पेंडिंग होगी, जो भी चीज इन्होंने ली होगी, तो हम कहते हैं कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है ना, ये बेसिकली हमारे पास बेस कैटेगरी की वैल्यू है, बेस कैटेगरी की। लेकिन हम इसको लिखते हैं नहीं कि ये डमी वेरिएबल वन है या बेस कैटेगरी है, हम लिखते नहीं है, है हमारे पास ये इंटरसेप्ट की वैल्यू। लेकिन ऑब्वियसली हम कहते हैं कि अगर बाकी सब कैटेगरीज जो हैं उसकी ये वैल्यूज हैं, तो जो बची वैल्यू होगी वो ऑब्वियसली बेस कैटेगरी की होगी। तो ये तो वो केस होगा जो हमारे पास सिर्फ एक क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा। अगर लेट सपोज हमारे पास दो क्वालिटेटिव वेरिएबल हों, तो फिर हम उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह करते हैं? अब लेट सपोज जिस तरह के हम लोगों ने, अब मैं बुक में अगर आपको बताऊं, अब जिस तरह के आप बुक में एग्जाम्पल टू, यस, ये टू क्वालिटेटिव वेरिएबल की है। अब अगर इसमें आप देखें, ये जो एग्जाम्पल 9.2 है, अगर आप इसको देखें तो इस पे इन्होंने आर्ली वेजेस इन रिलेशन टू मैरिटल स्टेटस एंड रीजन ऑफ रेजिडेंस, उन्होंने आर्ली वेजेस का रिलेशनशिप मैरिटल स्टेटस के साथ देखा है। अब मैरिटल स्टेटस में हमारे पास कौन कौन सी दो कैटेगरीज होंगी? एक हमारे पास होगी मेरिट और दूसरी होगी अनमेरिट। और रीजन ऑफ रेजिडेंस के उसका कौन कौन सा रीजन है, जैसे कि आपके पास हो सकता है साउथ है या आपके पास अदरवाइज, जो इन्होंने जिस तरह लिया है, तो वो आपके पास देखिए, इन्होंने D2 पे लिया है मेरिट स्टेटस, मेरिट स्टेटस 1 है, तो इसके लिए ऑब्वियसली हमारे पास दो कैटेगरीज थी जो इन्होंने मेरिट को ले लिया है, और ड्रॉप किसको किया है, अनमेरिट को इन्होंने ड्रॉप या बेस कैटेगरी कर दिया है। सिमिलरली अगर आप देखें रीजन ऑफ रेजिडेंस जो है वो साउथ है, तो ऑब्वियसली इन्होंने किसी न किसी दूसरे रीजन को जो है इन्होंने क्या किया होगा, नॉन साउथ जो है वो आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास इन्होंने बेस कैटेगरी ली है। अब अगर आप इधर इंटरसेप्ट की बात करते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने सिंगल क्वालिटेटिव के लिए की है, कि आपके पास बेस कैटेगरी, और अगर आप इसके वाई को देखें ना, ये इसको हम फिटेड मॉडल कहते हैं, जो वाई एस्टिमेटेड है इसको हम फिटेड मॉडल कहते हैं। अब इसमें आप देखिए D21 क्या शो कर रहा है, D21 शो कर रहा है कि ये आपके पास मेरिड, ये आपके पास मेरिट स्टेटस का D2 का कोफिशियंट है। यहाँ पे बीटा होता है ना, तो बीटा के साथ उसने कोफिशियंट की वैल्यू लिख दी है D2i के साथ, और माइनस क्या किए, -1.6729 D3i, इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास साउथ का कोफिशियंट है। अब आप इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह करेंगे, आप इसी तरह करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द आर्ली वेजेस, द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द आर्ली वेजेस ऑफ मेरिट, मेरिट स्टेटस, अब ये हमने मेरिट को करंट है ना, करंट एंड बेस कैटेगरी, तो द एवरेज डिफरेंस ऑफ आर्ली वेजेस बिटवीन द मेरिट स्टेटस एंड अनमेरिट स्टेटस इज
1.0997. तो ये वैल्यू हमारे पास बेसिकली जब पॉजिटिव आ रही है तो ये हमने मेरिट स्टेटस की जो भी इनकम थी उसमें से अनमेरिट की माइनस की है. तो जब पॉजिटिव वैल्यू आई है तो इसका मतलब है कि जितने भी मेरिट स्टेटस के लोग हैं वो ज्यादा अर्न कर रहे हैं अनमेरिट लोगों से. तो ये पॉजिटिव जो आपके पास कोफिशियंट की वैल्यू होती है ये आपको ये शो करती है. अच्छा, अगर दूसरे में आप देखिए, दूसरा क्या था क्वालिटेटिव, वो आपके पास रीजन ऑफ रेजिडेंस था जिसमें आपने साउथ लिया था कि ये वो लोग हैं जो कि साउथ में रहते हैं. और अब उसकी बीटा कोफिशियंट की वैल्यू देखिए -1.67. अब ये आपको क्या शो कर रहा है कि जब आप करंट कैटेगरी और बेस कैटेगरी का डिफरेंस लेंगे तो वो नेगेटिव आएगा. इसका मतलब है कि जितने नॉन साउथ के लोग हैं उनके आर्ली वेजेस जो हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द साउथ पीपल. तो अब आप इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह करेंगे, द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द एवरेज डिफरेंस ऑफ आर्ली वेजेस बिटवीन द साउथ एंड द नॉन साउथ पीपल इज -1.67, विच शोज दैट द आर्ली वेजेस ऑफ नॉन साउथ पीपल आर मोर देन द साउथ रेजिडेंट्स. तो ये इसकी आपके पास इसकी इंटरप्रिटेशन हो जाएगी. अब ये जो आपके पास इधर कॉन्स्टेंट होता है, अब ये कांस्टेंट, उधर हमने कांस्टेंट का कहा था कि जो भी आपके पास ड्रॉप कैटेगरी है ये उसको शो कर रही है कि उसके आर्ली वेजेस जो हैं वो बेसिकली 8.8 है. ठीक है, अब इधर बेस कैटेगरी क्योंकि दो हैं, कौन कौन सी हैं आपके पास अनमैरिड हैं और दूसरी कौन सी है, दूसरी आपके पास नॉन साउथ है. तो इसका मतलब है कि नॉन साउथ और अनमेरिड पीपल की जो एवरेज आर्ली वेजेस होंगे वो 8.814 होंगे. तो ये हमारे पास इसकी इंटरप्रिटेशन थी. अब हम इसमें एक दूसरे चेंज की तरफ जा रहे हैं, जिस मॉडल को अब हम कहते हैं अनकोवा मॉडल. अनकोवा मॉडल कौन से मॉडल होते हैं? अभी तक हमने पढ़ा पहले कि सिंगल क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है, कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है, तो किस तरह हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं. फिर जब हमारे पास दो कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं फिर हम किस तरह करते हैं. अब हम कहते हैं कि ठीक है भाई, एक तो आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है और दूसरा आपके पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल है. तो जब आपके पास इस तरह का मिक्सचर हो तो फिर आप किस तरह की इंटरप्रिटेशन करेंगे. तो अगर आपको याद हो तो अभी हम लोगों ने एक आज ही एक टेबल देखा था जिसमें भी आपके पास मौजूद थे. अगर आप इसको भी देखें, एग्जांपल 9.3 को, तो ये आपके पास अनकोवा मॉडल की एग्जांपल है जिसमें आपके पास मिक्सचर है क्वालिटेटिव का क्वांटिटेटिव का. अब अगर आप इसको देखें, ये आपको D2I क्या बता रहा है कि ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है. D3I क्या बता रहे हैं कि ये भी क्वालिटेटिव वेरिएबल है. अब अगर आप 3.2889XI को देखें, ये आपको क्या शो कर रहा है कि ये क्वालिटेटिव वेरिएबल नहीं है बल्कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल है जिसके कोफिशिएंट की वैल्यू +3.28 है. तो इसकी बाकियों की इंटरप्रिटेशन तो बिल्कुल वैसे ही होगी जिस तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की है. अच्छा, इसमें जो आपके पास सर ने हमें कहा है कि जो कांस्टेंट है आप उसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ नहीं जाएंगे, है सर ने कहा है कि होती है लेकिन वो बहुत टेक्निकल है, आप लोगों के लेवल की नहीं, आप लोग छोड़ दें. तो इसके इंटरसेप्ट को हम नहीं डिस्कस करते. इसके बाकी जो डमी वेरिएबल्स हैं उसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल वैसी होगी. इट इज द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द बेस कैटेगरी, द करंट कैटेगरी एंड द बेस कैटेगरी. और दोनों का आपके पास नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब है कि बेस कैटेगरी में जो है आपके पास, अगर ये सेम वही है, टीचर सैलरी इन रिलेशन टू रीजन एंड स्पेंडिंग ऑन पब्लिक स्कूल पर प्यूपल. तो अभी आपको टीचर सैलरी बता रहा है इन रिलेशन टू रीजन एंड स्पेंडिंग ऑन पब्लिक स्कूल. तो अगर ये आपके पास एक टीचर है और एक आपके पास रीजन है और दूसरा आपके पास स्पेंडिंग ऑन पब्लिक स्कूल्स है, तो आप इस पे जो है दोनों पे, एक को बेस कैटेगरी है और एक आपकी एब्सेंट है, एक में ये नहीं चीज एब्सेंट है और एक में प्रेजेंट है, तो
इसका मतलब है जो एबसेंट वाली कैटेगरी है उसमें ज्यादा आपके पास आ रहा है वैल्यू, इसी वजह से कोफिशिएंट के साथ नेगेटिव साइंस है दोनों में। और ये जो आपके पास एक्स आई आखिर में लिखे इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। इसकी आप इंटरप्रिटेशन किस तरह करते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन सेम आप उसी तरह बिल्कुल करते हैं जिस तरह अभी तक हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन में करते रहे हैं कि आपके पास रेट ऑफ चेंज आप बयान करते हैं। अब इधर आप किस तरह करेंगे कि द वन यूनिट इंक्रीज और डिक्रीज, आप कहें द वन यूनिट इंक्रीज इन एक्स वेरिएबल विल ब्रिंग 3.2889 यूनिट इंक्रीज इन वाई आई। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, उसी तरह रेट ऑफ चेंज के थ्रू आप अपनी इंटरप्रिटेशन करेंगे और डमी वेरिएबल का आप उसी तरह आप डिफरेंस के थ्रू करेंगे। तो ये हमारा तमाम के तमाम डमी वेरिएबल की इंटरप्रिटेशन थी और इधर ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आप रिकॉर्डिंग क्लोज कर सकते हैं।